नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम चर्चा करने जाएंगे दशम महाविद्या माता बगुलामुखी देवी का भैरव मृत्युंजय भैरव के बारे में। मृत्युंजय भैरव का साधना करके कैसे आप अपना जीवन में लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कैसे इनका साधना करें, इनका साधना करके आपका जीवन में क्या हासिल होगा। हम सब माता बगुलामुखी का बारे में सभी जानते हैं, बगुलामुखी का साधना करते हैं। अगर आपका ऊपर शत्रु आपका ऊपर कुछ तंत्र बाधा करता है उसे रोकने के लिए, जिसे स्तंभन कहता है, तो बगुलामुखी साधना करके आप आपका शत्रु आपका ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है। बहुत सारा लोग बगुलामुखी देवी का साधना बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें साधना में सिद्धि नहीं मिल रहा है, उन्हें साधना में माता बगुलामुखी का कृपा नहीं मिल रहा है। इसका एक ही कारण है, आपने बगुलामुखी माता का संगी भैरव मृत्युंजय भैरव का आप साधना नहीं की। जब तक आप मृत्युंजय भैरव का साधना उनका पूजा नहीं करेंगे, तब तक बगुलामुखी देवी प्रसन्न नहीं होगा, आपको साधना में लाभ नहीं मिलेगा, आपका मन चाहे फल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मृत्युंजय भैरव का साधना उनका मंत्र का उच्चारण करना ही चाहिए। हर एक का जीवन में शत्रु होता है, शत्रु दो तरफ का होता है। एक पहला जो शत्रु होता है जिसे आप पहचानते हैं, आप जानते हैं ये आपका शत्रु है, ये आपका नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। इससे आपको ज्यादा डरने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उससे सतर्क रहते हैं, खुद को बचा लेते हैं। और एक तरह का शत्रु होता है जो अपना आपका रिश्तेदार होता है, आपका दोस्त होता है, आपके साथ अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखता है, लेकिन जब जब भी आपका कुछ मदद का जरूरत पड़ता है या फिर आप कुछ प्रॉब्लम में होता है, तभी वो लोग उसका असली रंग दिखाता है और आपको हानि पहुंचाता है। अगर मान लीजिए आप किसी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपका बहुत सारा कॉलिग आपके साथ बहुत हंस के बात करता है, आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखता है, खाना खिलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वही लोग आपका बॉस के पास जाके आपका अगेंस्ट में बात करता है, उससे आपका जीवन में तरक्की कम हो जाता है, आपका जॉब भी जा सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, आपका साथ बहुत अच्छा रिश्ता लेके कोई कस्टमर आता है, आपके साथ मुंह बहुत अच्छा बात कर वार्तालाप करता है, बाद में आपका वही आपका नुकसान का कारण बनता है, पैसा लेके चला जाता है, आपको रास्ते पे छोड़ देता है। तो ऐसा लोगों को आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि ये लोग नाकाब पहन के रहता है, जब भी जरूरत पड़ता है तब भी आपका बहुत सारा नुकसान करता है। तो मृत्युंजय भैरव का साधना करने से, मृत्युंजय भैरव का मंत्र पाठ करने से आपका जो ऐसा शत्रु होता है, इन शत्रु आपका ऊपर कुछ हानि नहीं पहुंचा पाता है। आपका अंदर इतना शक्ति ऊर्जा शक्ति बढ़ जाता है, तो जिससे आप इन लोगों को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और खुद को बचाव कर सकते हैं। शत्रु को पहचानना ही सबसे बड़ी बात होता है। अगर आपका छुपा हुआ शत्रु को आप नहीं पहचान पाओगे, तो आप अपना खुद जीवन में तरक्की कैसे करोगे, आपका परिवार में कैसे खुद को परिवार को कैसे रक्षा कर पाओगे। तो इसलिए आपको आपका शत्रु को बारे में ठीक से जानना चाहिए, तभी आप आपका शत्रु को हाथ से आप खुद को बचा पाएंगे। तो मृत्युंजय भैरव का साधना करने से बगुलामुखी देवी प्रसन्न होता है, आपका शत्रु का जो स्तंभन करता है उससे आपका शत्रु आपको ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो इसीलिए हर एक का जीवन में बगुलामुखी साधना करना चाहिए, उसके साथ बगुलामुखी माता का भैरव मृत्युंजय भैरव का साधना करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है स्वामी स्त्री दो नहीं एक होता है, यानी दोनों का मिलके जो होता है उसे एक ही कहते हैं। तो बगुलामुखी का साधना करके अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए, तो आपको उनका भैरव मृत्युंजय भैरव का साधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं इनका साधना कैसे करें। ढीले ढाला जामा कपड़ पहन के किसी शांत कमरे में बैठ जाइए, जमीन पे पीला आसन बिछा के बैठ जाए, सामने एक पीला यानी येलो कलर का एक कपड़ा बिछाते, इंटरनेट से माता बगुलामुखी देवी का एक फोटो डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा के उनके सामने रख दीजिए, उनके सामने पीले रंग का येलो रंग का फूल से सजा दे, एक हल्दी उनके सामने रख दीजिए।
हल्दी, अगर आपको गोटा नहीं मिलता है तो आप हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं, उनके सामने रख दे, थोड़ा सा सफ़ेद सरसों रख दीजिए, थोड़ा सा इलायची रख दीजिए, लवंग रख दीजिए। आप घर के, अगर घर का कलर अगर होता है पीले रंग का, येलो कलर का होता है तो लाभ बहुत ज़्यादा होता है। आप अपना आगा चक्र यानी आपका दोनों आँखों के बीच या पे थोड़ा सा पिंच कर लीजिए, ऐसा करके चीटी मार लीजिए, तो इससे क्या होता है आपका कंसंट्रेशन उसी जगह पे चला जाता है। तो आगा चक्र में कंसंट्रेट करते हुए मृत्युंजय भैरव मंत्र, तो उससे पहले आपको आपका शरीर का शुद्धि के लिए साधारण से 10 बार प्राणायाम कर लेना चाहिए। यानी एक नाक से सांस लीजिए, जितना देर हो सके सांस को रोकिए और थोड़ी देर बाद दूसरे नाक से छोड़े, धीरे से छोड़े ऐसे। ऐसा करके 10 बार साधारण से प्राणायाम कर लीजिए। इससे क्या होता है आपका शरीर में, अगर शरीर बॉडी रिलैक्स हो जाता है। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी या सोफा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बगल मुखी का फोटो के सामने आगा चक्र पे ध्यान करते हुए ऐसा एक मुद्रा बनाए, इसे तांत्रिक मुद्रा, बाराही मुद्रा कहते हैं या सुखी मुद्रा कहते हैं। ऐसा करके आप अपना आगा चक्र में ध्यान करते हुए बगलमुखी मृत्युंजय मंत्र, आगा चक्र पे ध्यान करते हुए बगलमुखी एंड मृत्युंजय भैरव मंत्र, ओम श्रीम बगलमुखी सर्वो सिद्धि देही देही भ्राम मृत्युंजय भैरवाय फट, ओम श्लीम बगलमुखी सर्वो सिद्धि देही देही भ्राम मृत्युंजय भैरवाय फट, ओम श्लीम बगलमुखी सर्वो सिद्धि देही देही भ्राम मृत्युंजय भैरवाय फट। यह पे दो बीज है, क्लीम मतलब बगलमुखी माता का बीज और भ्राम होता है भैरव बाबा का बीज। भैरव बाबा का इस मृत्युंजय रूप का साधना करने से आपका बगलमुखी माता प्रसन्न होता है, आप शत्रु से आप परेशान नहीं कर पाते, आप शत्रु से खुद को प्रोटेक्शन कर पाते हैं। इनका साधना आप 11 माला करके 5 दिन करें, 5 दिन साधना आपको करना है। 6 नंबर दिन पे किसी को फल या भोजन का दान कर दे, थोड़ा सा हल्दी भी दान कर दीजिएगा, इससे आपका लाभ होता है। ये 5 दिन ये अभ्यास, ध्यान अभ्यास करने के बाद वो जो हल्दी का टुकड़ा या फिर हल्दी पाउडर जो रखा था वो अपना आप अपना पूजा घर में रख दीजिए, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका जो दुकान है उनका गले में रख दीजिए। इससे क्या होता है आपका जो भी शत्रु होता है, जो छुपा हुआ शत्रु है, ये लोग आपको ऊपर जितना भी तंत्र बाधा करते हैं या फिर कुछ खराब करने की कोशिश करते हैं, नज़र में आने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है। उससे आपको सुरक्षा मिलता है, आपका जीवन सुखमय हो जाता है। आइए जानते हैं और कुछ नियम। ये साधना 18 साल का ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। स्वामी स्त्री एक साथ साधना करने से लाभ 10 गुना ज़्यादा मिलता है। ये साधना आप किसी भी शांत खान में कर सकते हैं। ये साधना करने का समय है शाम के सूर्यास्त के बाद,